हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है। इसी तरह दोस्तों, रेडट भी एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है। यानी कि दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और रेडट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करता है और रेडट लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करता है। तो यहाँ पर बात आती है विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक अनदर पिक्चर की हेल्प लेता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिनक्स और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प ली हुई है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस को मैंने यहाँ पर आपको शो कराया हुआ है। अब हम लोग वन बाय वन इन सभी डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे मेन जो डिफरेंस है विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, वो ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओपन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओपन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये ओपन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पाइथन, इस तरह बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सोर्स कोड यूज किया जा रहा है, जो कोडिंग यूज की जा रही है, उस सोर्स कोड को एडिट और मॉडिफाई करने के लिए जो राइट्स है वो केवल माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पास ही रिजर्व कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई अनदर ऑर्गेनाइजेशन या कोई अनदर बंदा मॉडिफाई करता है, एडिट करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट उस बंदे के अगेंस्ट में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। इसी तरह जब रेडट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई, डेवलप होते ही उसने एक ऐसा सोर्स कोड डेवलप किया जो हर एक यूजर के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रीली अवेलेबल था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता था। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे मेन जो डिफरेंस है लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में वो ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ओपन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओपन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है। सेकंड डिफरेंस, जैसे कि दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं किसी भी मशीन पर, तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है, फुल राइट्स होते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब हम लोग लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं किसी भी मशीन में, तो उसमें एक रूट नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, और रूट यूजर को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल राइट्स होते हैं।
थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हम लोग डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है दोस्तों KDE। KDE स्टैंड्स फॉर के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग दो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। पहला होता है जीनोम, सेकेंड होता है KDE। जीनोम स्टैंड्स फॉर GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट एंड KDE। दोस्तों जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं किसी भी मशीन पर तो जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद चाहे हम लोग जीनोम को केडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और केडी को वापस जीनोम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस सबसे मेन डिफरेंस है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस अटैक नहीं करता है, विंडोज में वायरस अटैक करता है। लेकिन बहुत ही कम बंदे हैं जो ये जानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस क्यों अटैक नहीं करता है। तो फोर्थ जो डिफरेंस है वो यही है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस अटैक करता है, सॉरी वायरस अटैक नहीं करता है, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस अटैक कर सकता है। अब बात आती है कि लाइनेक्स में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से वायरस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अटैक नहीं करता है और विंडोज में करता है। देखिए दोस्तों आज तक वर्ल्ड के अंदर जितने भी वायरस डेवलप किए गए हैं उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो .exe होती है, और विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो exe फाइल को सपोर्ट करता है, और exe ऐसी फाइल होती है जो ऑटो रन होती है, ऑटोमेटिक रन हो जाती है। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये exe फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम लोग पैकेजेस यूज करते हैं वो आरपीएम के फॉर्मेट में होता है, और आरपीएम जो है वो ऑटो प्ले नहीं होता है, ऑटो एग्जीक्यूट नहीं होता है। यही रीजन है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस अटैक नहीं करता है लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस अटैक करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो है हम लोगों को 30 डेज के ट्रायल वर्जन पर कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि भाई 30 डेज तक तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर 30 डेज के बाद आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस की परचेज करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लाइसेंस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लाइसेंस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको कोई भी लाइसेंस की रेडिट से परचेज नहीं करनी पड़ती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल है और आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है दोस्तों, काफी बार आप लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसे हमें फॉर्मेट करना पड़ता है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग दो टाइप के फाइल सिस्टम यूज करते हैं, फैट और NTFS। दोस्तों फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल एंड NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये दो फाइल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए EXT एंड XFS हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं। दोस्तों EXT और XFS में क्या डिफरेंस है ये आगे की सीरीज में मैं आपको EXT और XFS फाइल सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है इससे रिलेटेड मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और फैट और NTFS में क्या डिफरेंस है इसके लिए भी मैं आपको एक अनदर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा सिक्योर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले। इसका रीजन ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस अटैक कर सकता है लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस अटैक नहीं करता है।
क्योंकि जितने भी अटैकर या फिर क्रैकर होते हैं वो वायरस के थ्रू ही हमारे नेटवर्क को या हमारी नेटवर्क डिवाइसेस पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है, आपने काफी बार देखा होगा कि जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं या रिमूव करते हैं तो काफी सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल करने के बाद या रिमूव करने के बाद रिबूट की जरूरत होती है मशीन को। लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी हम लोग कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर रिमूव करते हैं, तो हमें रिबूट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया गया है। और दोस्तों आज के टाइम पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाइथन लैंग्वेज भी यूज की जा रही है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोस्तों वो ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सर्वर मशीन्स और क्लाइंट मशीन्स दोनों के लिए ही डेवलप किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है सर्वर मशीन्स के लिए ही। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, काफी बार आप लोगों ने देखा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई अननोन पर्सन भी होता है तो वो आराम से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है 2 या 3 दिन के अंदर ही। लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये 100% कमांड लाइन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लास्ट डिफरेंस दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग एक टाइम पर केवल सिंगल यूजर को ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम लोग सेकंड यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फर्स्ट यूजर से या तो लॉग ऑफ करना पड़ता है या स्विच यूजर करना पड़ता है, तब हम लोग सेकंड यूजर को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक टाइम पर ही 6 यूजर से लॉगिन कर सकते हैं विदाउट एनी लॉग ऑफ और स्विच यूजर। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस है लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। कहने के लिए और बहुत सारे भी डिफरेंस है विंडोज और लिनक्स के बीच में, लेकिन ये सबसे जो सिंपल डिफरेंस है वो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ईमेल के थ्रू तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास में एक ईमेल आ जाए नोटिफिकेशन और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।